जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिशियन एनसीवीटी का पाठ्य पुस्तक में कितने सब्जेक्ट हैं इसकी जानकारी और पेपर किस टाइप में होते हैं, कितने विषयवार है और उनका अध्ययन करने पर कितने कितने मार्क्स के विषयवार में आपको ज्ञात किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन में सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तीसरे सब्जेक्ट का नाम है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और चौथे सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और पांचवा सब्जेक्ट है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। आपका जो थ्योरी का एग्जाम है उसमें 38 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यहां पर 76 मार्क्स। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 6 क्वेश्चन आते हैं, ये 12 मार्क्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आते हैं, ये 50 मार्क्स के होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन आते हैं, ये 12 मार्क्स के। और ट्रेड प्रैक्टिकल आप लोगों का 250 मार्क्स का होता है। इसके बाद आप लोगों को सेशनल मार्क्स कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, जो 200 नंबर। टोटल आप लोगों का पेपर 600 मार्क्स। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में सेम इसी पैटर्न का उपयोग किया जाता है, तो आसानी से थ्योरी में यदि आप 76 मार्क्स है उसमें से यदि 72 मार्क्स भी यदि लाते हैं तो आप लोगों का हाई स्कोर होता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी यदि आप सही करते हो तो 10 मार्क्स लेकर आओगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन में से 20 भी यदि सही करते हैं तो 40 मार्क्स लाओगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 में से 5 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो 10 मार्क्स लाओगे। और ट्रेड प्रैक्टिकल में आप लोगों को यदि 210 नंबर भी मिलते हैं तो आप लोग बेहतर प्रदर्शन करोगे, और सेशन मार्क्स में आपको 190 नंबर देंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को टोटल मार्क्स यदि हम आप लोग अच्छे से लाओगे तो आपका रिजल्ट 90+ बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।